हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड मलाई केक। इसनों बनाने ले से मैदा भी नहीं यूज़ करना, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना। बिना अंडे ते बिना अवन तो मैं एक केक रेडी करूँगी। केक बनाने ले सब तो पहला एक पैन विच मैं 1 कप पानी डाल लूँगी। तुसी नाप ले कर दो, कोई भी कप या कोई भी कौली या किसी भी चीज़ नाल नाप सकते हो। पानी मैं गर्म हो लैन देना, उस नाल मैं अद्धा कप चीनी दा पाऊंगी। पानी नूं उबाला आ लैन देना। चीनी घुल चुकी है, पानी नूं उबाला आ गया। हुण इसनूं अच्छा जिहा कलर देण लई मैं 8-10 धागे केसर दे पाऊंगी। तुहाडे कोल है तां पाओ, नहीं तां स्किप कर सकते हो। तुसी ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच में इलायची पाउडर पाऊंगी फ्लेवर ले। 2-3 चाशनी उबाले आ चुके हैं, चाश थोड़ी चिपचिपी हो गई है, तो एक तरह की चाश नहीं रेडी करनी। बस इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी, इसमें एक साइड पर रख दूँगी। एक पैन विच 1 लीटर मैं दूध लिया, इसनों उबाला दे लेना। दूध तुसी कोई भी ले सकते हो। इस मैं ऐड करूंगी 3 चम्मच चीनी दे। तुसी चीनी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग घट वध ऐड कर सकते हो। चाश भी रेडी की है, इस करके मैं ज्यादा चीनी नहीं ऐड करूंगी। लो फ्लेम पे इसनों अच्छी तरह उबाला देंगे। एक बाउल में 1 वड्डा चम्मच मैं लूँगी कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मैं वनीला फ्लेवर वाला ले रही हूँ। 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। जे थोड़े को कॉर्नफ्लोर नहीं हैगा तो तुसी 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर दे ले सकते हो। 1/2 चम्मच मैदा का मिला लो, उस दे नाल भी केक एवें दा ही बन जूगा। जे थोड़े को कॉर्नफ्लोर नहीं हैगा ना तो 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दो, 1/2 चम्मच मैदे का मिला दो। हम इस मैं रूम टेम्परेचर पर मिल्क ऐड करूँगी, इसका घोल रेडी कर लेना। बहुत चंगी तरह मिक्स कर लेना ताकि विच लम्स ना रहन। दूध में चंगी तरह उबाला आ चुके हैं, हम मैं कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्स इस विच ऐड करती जाऊँगी तो हिलाती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके पाना, नाल नाल मिक्स करी जाना। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने दे नाल ही अपना दूध गाढ़ा हो जाएगा, सारा मिक्सचर सैट होने लग जाएगा। जे तुसी कस्टर्ड पाउडर नहीं पा रहे, कला कॉर्नफ्लोर वाला ऐड कर रहे हो, तो तुसी कोई वनीला एसेंस पा सकते हो, केसर ऐड कर सकते हो, इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो। मैं कस्टर्ड पाउडर पाया ना, इस करके मैं कोई एसेंस नहीं ऐड करूँगी, ना केसर ऐड करूँगी ना इलायची पाउडर। तुसी देखो दूध बहुत क्रीमी ते गाढ़ा हो गया। लगातार हिलाते जाना ताकि नीचे ना लगे। तुसी देखो दूध इन्ना गाढ़ा हो चुका है। हुण इस विच मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच मलाई। ये ताजे दूध तो उतारी हुई मलाई है, मलाई केक रेडी कर रही हैं तो मलाई ऐड करूँगी। इस नाल अपना केक होर रिच बन जाएगा। तुहाडे कोल मलाई नहीं हैगी है तो तुसी अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। जे तुसी मलाई या क्रीम नहीं ऐड करना चाहते तो तुसी इस विच बटर भी ऐड कर सकते हो। बटर दे 2 चम्मच ऐड कर दो, इस नाल फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, थोड़ी शाइन आ जाती है केक विच। तुसी स्पून की बैक देखो, अपना मिक्सचर ना स्पून नूं कोट करन लग गया। हुण इस स्टेज पर मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। हुण मैं केक नूं सैट करूंगी, मैं इस दे विच केक सैट करूंगी। जे तुहाडे कोल एवें दा बाउल नहीं हैगा तो घर विच एवें दा कोई स्टील दा बाउल तुसी उस विच सैट कर सकते हो। केक टिन हुंदा, सिंपल लंच बॉक्स हुंदा, किसी विच भी तुसी इस केक नूं सैट कर सकते हो। केक नूं सैट करन लई मैं रस्क लै ली, इसनूं टोस्ट भी कहिंदे ने। जे तुहाडे कोल नहीं हैगे तां तुसी डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी यूज कर सकते हो। पहला मैं इस कंटेनर में रस्क सैट करूँगी।
हाँ तुसी देखो इस कंटेनर विच मैं सारे रस अच्छी तरह सेट कर ले। हुण मैं इसके उपर पाऊंगी चाश, चाश नूं मैं थोड़ा जिहा गर्म कर ले, इस नाल रस थोड़े सॉफ्ट भी हो जाणगे थोड़े मिठे भी हो जाणगे। इदां सारे रस के उपर मैं चाश फैला के पा देनी है। हुण मैं इसके उपर पाऊंगी कस्टर्ड मिक्स, जो आपां कस्टर्ड रेडी कीता अपना क्रीमी कस्टर्ड रेडी होया है उस दे उपर पा देना, एक लेयर इसकी बना देनी। फिर इसनूं चंगी तरह स्प्रेड कर देना। हुण तुसीं चाहो तां इसके उपर ड्राई फ्रूट कट के ना उसकी लेयर लगा सकते हो, जां दा नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हो। कस्टर्ड मिक्स के उपर मैं एक लेयर रस्क की होर लगाऊंगी। जे तुसी केक बिस्किट नाल बना सकते हो तो तुसी इसे तरह लेयर बिस्किट की लगा देनी है। रस्क के उपर मैं फिर चाश की लेयर लगाऊंगी। बहुत सॉफ्ट ते सुपर टेस्टी केक रेडी होएगा। इस दे उपर फिर कस्टर्ड मिक्स दी लेयर लगा देनी है। कस्टर्ड मिक्स नूं उपर बहुत चंगी तरह सेट कर देना। बहुत ही सॉफ्ट केक रेडी हो चुके है, खाण नूं तां इन्ना सॉफ्ट होएगा कि मूंह विच ही घुल जाएगा। हुण मैं इसनूं ड्राई फ्रूट नाल गार्निश करूंगी। तुसीं किसी भी ड्राई फ्रूट नाल गार्निश कर सकते हो, नारियल का बुरादा पा सकते हो। मैं बादाम ते पिस्ता ऐड कर रही हूँ, तुसीं काजू बादाम पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हो। इस केक नूं हले आपां यूज नहीं कर सकते। हुण इसनूं सैट होण लई मैं 2 घंटे लई फ्रिज विच रखूंगी। तुसीं देखो केक नूं फ्रिज विच रखिया 2 घंटे हो चुके ने, केक बिल्कुल सैट हो चुके है। और मैं तुहानूं कट के दिखाऊंगी किन्ना सॉफ्ट ते टेस्टी केक रेडी हो चुके। इसनूं बनाउण लई सानूं किसे मैदे दी किसे बेकिंग पाउडर दी जरूरत नहीं पई। तुसी इस दी लेयर्स देखो, बिल्कुल नहीं लग रहे कि यह रस्क नाल केक रेडी होया है। फ्रेंड्स तुसी मेरी रेसिपी ट्राई करियो ते मैनु कमेंट करके दस्सो कि तुहानू किवें दी लगी। अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड विच शेयर करो ते मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो। ये वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।